हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। यह है मेरी कार फोर्ड फिगो और आज का ये जो वीडियो है ये इस गाड़ी के एसी का कंप्लीट रिप्लेसमेंट का होने वाला है। मतलब कि एसी के एक एक पार्ट को हम लोग चेंज करने वाले हैं क्योंकि इसका कंप्रेसर फेल हो गया था। अगर आप एक टर्म ब्लैक डेथ से फैमिलियर होंगे तो आपको पता होगा क्या हो गया होगा। एक्चुअली इसमें एसी का पूरा सिस्टम में कंप्रेसर का ऑयल और रेफ्रिजरेंट पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है और जब वो रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता है इसी सिस्टम में तो विद टाइम कंप्रेसर फेल हो जाता है। और जब इस तरह से कंप्रेसर फेल होता है तो इसको रिपेयर करवाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसको चेंज कर देना ही सही डिसीजन होता है। और जब कंप्रेसर चेंज होता है तो उसके साथ साथ आपको कूलिंग कॉइल यानी कि इवापोरेटर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व, ये तीनों भी चेंज कराना मस्ट होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं सारे के सारे पार्ट्स जो मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवाए हैं और कुछ फोर्ड के सर्विस सेंटर से। और एक चीज़ और, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आई एम श्योर ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चा सब कितना एंथुजियास्टिकली इस कंप्रेसर को अनबॉक्स कर रहा है। तो फाइनली ये रहा हमारा कंप्रेसर। इसका मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं 11 जनवरी 2022। ये मैंने बुडमो से मंगाया है और इसका मैंने 14,444 रुपीज़ पे किया है, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड। ये रहा कंडेंसर, ये भी मैंने बुडमो से ही ख़रीदा है। इसका मैंने 7,000 रुपीज़ के आसपास पे किया है, एक्चुअली 6,972 टू बी प्रिसाइज। तो चलिए आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये रहा कंडेंसर, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें जो है ये ड्रायर वो भी इसके साथ में ही आता है, ये जो आप देख पा रहे हैं हाथ में ये ड्रायर, ये भी इसमें फिक्स ही रहता है। तो बस आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये रहा इवापोरेटर या कूलिंग कॉइल, कुछ भी बोलिए, ये भी मैंने बुडमो से ही मंगवाया है और इसका भी मैंने 2,715 रुपीज़ पे किया है। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं आपको। इसको थोड़ा सा ध्यान से निकालना होता है क्योंकि इसका फिंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा। ज़रा सा भी उंगली लगने से या फिर किसी भी चीज़ से हल्का सा भी वो छूने से वो बैंड हो जाता है। खैर इससे कोई इशू नहीं है बट ध्यान रखने का होता है इसको। ये रहा एक्सपेंशन बल्ब और ये मैंने एक्चुअली फोर्ड के शोरूम से ही ख़रीदा है और इसका एक्चुअली MRP तो 2,148 है बट मैंने इसका 2,200 रुपीज़ पे किया है। तो मैंने इसको खोला नहीं अभी तक और ये अब देख, इसको मैं खोलना नहीं चाहता क्योंकि हो सकता है ये बहुत नाजुक पार्ट होता है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ डस्ट पार्टिकल्स में चला जाए जब तक कि मैं इसको असेंबल करवाने नहीं जाता हूँ। तो बस आप इधर से देख सकते हैं ये रहा। तो ये हो गया एक्सपेंशन बल्ब, ठीक है। तो गाइज अब हमारे पास एसी के सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ पाइप को छोड़ करके, यानी कि हमारे पास कंप्रेसर है, कंडेंसर है, कूलिंग कॉइल है, एक्सपेंशन वाल्व है, सारे के सारे पार्ट्स हैं बट सिर्फ और सिर्फ पाइप नहीं है। और वो मुझे लगता है कि ठीक ही है क्योंकि गाड़ी जो है वो मतलब इसका एसी जो है वर्किंग कंडीशन में था और चलते चलते ख़राब हुआ था, ठीक है। तो उसमें बस उसको अच्छे से अगर क्लीन कर दिया जाएगा पाइप को तो फिर वो यूज़ किया जा सकता है, मेरा मानना है। बाकी चलते हैं हम लोग फोर्ड के सर्विस सेंटर पे, वहाँ पे जो बोला जाएगा वो करेंगे, अगर बोलेगा चेंज करने के लिए तो चेंज कर देंगे। फोर्ड का नियरेस्ट सर्विस सेंटर मेरे घर से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स दूर है, इसलिए मैंने कल का अपॉइंटमेंट पहले से ही ले रखा है। तो कल सवेरे मैं अप्रॉक्स 6 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा और 9:30 बजे तक शोरूम पहुँच जाऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे कल फोर्ड के सर्विस सेंटर में। तो अभी सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं एंड आई एम ऑन द वे टू कोसी फोर्ड। मैं रास्ते का मज़ा लेते हुए, सफ़र को एंजॉय करते हुए, घूमते फिरते खाते पीते मैं लगभग 9:30 बजे के आसपास पहुंच गया ये कोसी फोर्ड। और यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मेरा नज़र इन पर गया
और काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इनको ये सब भेजना पड़ेगा। ये सब सिचुएशन के बाद भी अभी भी फॉर्ड इतना बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि मतलब बाकी कंपनियां इसके कंपटीशन में अभी भी दूर दूर तक नहीं है। खैर छोड़िए, अब क्या ही कर सकते हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं और गाड़ी हैंड ओवर कर देते हैं सर्विस सेंटर को। तो गाड़ी हैंड ओवर करने के बाद मैं चला गया था मार्केट किसी पर्सनल काम से, और फिर जब तक मैं वापस आया तब तक हमारे गाड़ी पे काम शुरू हो गया था। अब तक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बम्पर डिसअसेंबल हो गया और ये रेडिएटर और कंडेंसर खुल चुका है। बगल में न्यू कंडेंसर रखा हुआ है, सामने कंप्रेसर रखा हुआ है और टेक्नीशियन एसी के पाइप को खोल रहे हैं, जिसको खोलने के लिए एक स्पेशल टूल का ज़रूरत पड़ता है और वो टूल ये रहा। एक्चुअली बाकी गाड़ियों की तरह इस गाड़ी का एसी का पाइप जो है वो नट से टाइट नहीं रहता है, बल्कि वो पाइप कूलिंग कॉइल और कंडेंसर से जो जुड़ा होता है वो एक लॉक के जरिए जुड़ा होता है। वो लॉक आप ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये जो सामने ये दोनों दिख रहा है ये वो लॉक है। लॉक के अंदर जो होता है वो स्प्रिंग रहता है और ये जो टूल है वो उस स्प्रिंग को फैला देता है और वो इजीली निकल जाता है। इस टूल के बिना एसी पाइप को खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अगर कोई खोलने का अटेम्प्ट करता है तो बस उसको ख़राब ही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। वेल, अब तक कंडेंसर को रेडिएटर के साथ फिक्स कर दिया गया है और इसके पाइप को खोल करके अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर लिया गया है, और अब बारी है इस कंप्रेसर का, इसे गाड़ी में लगाया जा रहा है। कंप्रेसर को अच्छे से लगा दिया गया है, बट अब जो है ये जो आप देख पा रहे हैं ये लो प्रेशर पाइप या फिर वैक्यूम पाइप जो कि कंप्रेसर में लगता है, इसे मैं चेंज करवा दूंगा, क्योंकि ये जो पुराना वाला था हमारा, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ थोड़ा सा घिस गया है, लीक नहीं हुआ था ये, बट इसका अब कोई भरोसा नहीं, कभी भी लीक हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग चेंज करवा दिए हैं। तो अब तक बाहर से जितना मेजर काम था वो सारा का सारा हो गया है, मतलब कि कंडेंसर लग गया है, कंप्रेसर चेंज हो गया है और ये सारा का सारा पाइप भी लग चुका है। ठीक है, अब जो है डैशबोर्ड खुलेगा और कूलिंग कॉइल और एक्सपेंशन बल्ब चेंज होगा, लेकिन वो अब आज नहीं होगा क्योंकि अब शाम होने को है, वो कल होगा और मुझे उम्मीद है कि कल ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं कल। तो आज ये पूर्णिया में मेरा दूसरा दिन है और अभी लगभग सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं इस ऑटो में धक्के खाते हुए जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। यहाँ पहुँचते ही मैंने देखा कि गाड़ी पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो रखा है और अभी तक डैशबोर्ड खुल चुका है और अभी इस बॉक्स को खोला जा रहा है जिसमें कि एसी का इंटरनल कंपोनेंट्स रहता है, जैसे कि कूलिंग कॉइल, एक्सपेंशन बल्ब, ब्लोअर और हीटिंग कॉइल भी इसी में रहता है। तो अभी इसको खोलने का प्रोसेस कंटिन्यू है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डैशबोर्ड के नीचे जो मेटल बार होता है सपोर्ट के लिए, उसे खोल दिया गया है, साथ ही साथ बाकी के कंपोनेंट्स भी खुल गए हैं। अब जो है ये बॉक्स रह गया है जिसमें कि एसी का इंटरनल कंपोनेंट्स रहता है, जैसे कि कूलिंग कॉइल हो गया ये सब। ठीक है, तो इसको खोलने के लिए अब ये है कि नट से बस टाइट रहता है बाहर से, ठीक है, यहाँ खोला जाएगा और हीटर का भी पाइप खोला जाएगा और बस ये निकल जाएगा। तो ये अब खुल चुका है, आप देख पा रहे हैं अब अंदर कुछ भी नहीं है, ये बाहर आ गया है। अब इसको खोल करके इसमें से कूलिंग कॉइल निकाल के उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, और अगर इसके अंदर गंदगी होगा तो उसे भी अच्छे से साफ कर दिया जाएगा बस। तो देखिए अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इसे खोला जा रहा है। तो फाइनली ये खुल चुका है और आप ये कूलिंग कॉइल को विजुअली देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुरा हालत में है ये, मतलब पूरा का पूरा गंदगी से ये, डस्ट पार्टिकल से ये चॉक हो रखा है।
ये रहा एक्सपेंशन वाल्व, इसका हालत आप देखिए, मतलब क्या कंडीशन है इसका, एकदम पूरा का पूरा एकदम काला काला अंदर में, ये जो आप देख पा रहे हैं, अरे बाबा, यही वो रीजन है जिसके वजह से कि पूरा का पूरा कंप्रेसर फेल हुआ हर जगह, मतलब पूरा इसी के सिस्टम में ये ब्लैक ब्लैक सर्कुलेट कर गया है और इसी वजह से कंप्रेसर फेल हुआ। अच्छे से आप देख पा रहे हैं ये जो काला काला, ये बिल्कुल इस तरह का नहीं होता है। ये देखिए कूलिंग कॉइल, इसको एक बार फिर से अच्छे से नज़र डाल के देखिए इसका क्या हालत है, ये भी पूरा का पूरा चौक हो रखा है। ये है सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, जो कि ऑटो कट ऑफ करता है ताकि बर्फ़ ना जमे। इसके भी अंदर देखिए, ये भी पूरा का पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक, इसमें भी पूरा सर्कुलेट कर रखा है। कितना भी क्लीन कर लेंगे ये अच्छे से साफ़ नहीं होगा, और फिर जरा सा भी पार्टिकल्स जो नए वाले में मिलेगा तो वो ख़राब कर देगा। इसीलिए जब कंप्रेसर को चेंज किया जाता है तो ये सारे के सारे चीज़ को चेंज किया जाता है। अब जो है लगभग सब कुछ खुल चुका है, अब इसे अच्छे से क्लीन किया जाएगा और फिर सबको वापस से फिट किया जाएगा। तो अभी इसको धोया जाएगा, ये देखिए इसे अच्छे से प्रेशर वाशर से अच्छे से धोया जा रहा है बिल्कुल प्रेशर में, ताकि हर जगह से ये क्लीन हो जाए, कहीं भी डस्ट पार्टिकल्स ना रह पाए। ये देखिए इसके अंदर भी पानी मारा जा रहा है फुल प्रेशर से, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। लेकिन सिर्फ इतना ही में ही वो क्लीन नहीं होगा, उसके बाद उसमें रस्ट रिमूवर जो होता है स्प्रे, उससे भी अच्छे से उसको क्लीन करके फिर साफ कपड़े से उसे पोंछ के एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया जाएगा। उसको विजुअली हम दिखाएंगे आपको कि कितने अच्छे से इसको क्लीन किया है। बहुत अच्छा तरह से मतलब इस पर काम किया गया है और काफ़ी सेटिस्फाइड हम इससे। अच्छे से इसको क्लीन किया जा रहा है बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं। और हाँ, इसमें से सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स निकाल दिए गए हैं, तो इसमें ख़राब होने वाला कुछ नहीं है अभी। तो अब ये ऑलमोस्ट अच्छे से क्लीन हो गया है, अब इसे यहाँ से ले जाकर इसमें से पानी सुखा दिया जाएगा। और इसका पानी सुखाने के लिए यहाँ पे ये हाई प्रेशर का कंप्रेस्ड एयर यूज़ किया जा रहा है सुखाने के लिए, तो इसको अच्छे से सुखा दिया जाएगा और फिर बाद में इसमें सब कुछ फिट किया जाएगा। तो अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है, अब इसमें बाकी का फिटिंग होगा। अच्छा, आप ये देखिए अनयूजुअल चीज़, और गेस कीजिए कि आखिर ये फॉर्म क्यों काटा जा रहा है। ये जो फॉर्म काटा जा रहा है, एक्चुअली इस तरह का फिनिशिंग हम इससे पहले कहीं नहीं देखे हैं। एक्चुअली इसको चिपकाया जाएगा, मतलब एसी का वेंट जहाँ जहाँ पे मतलब एक दूसरे से जॉइंट रहता है ना, एयर फ्लो का जहाँ जहाँ पे जॉइंट है, उन सब जगह पे इसको चिपकाया जाएगा, ताकि कहीं से भी ज़रा सा भी लीकेज ना हो एयर फ्लो का। और इससे एकदम परफेक्ट एयर फ्लो होता है, क्योंकि जब कहीं से लीकेज नहीं होगा तो ब्लोअर से जितने भी एयर फ्लो करके मतलब बाहर आएंगे वो सारे के सारे वेंट्स से निकलेंगे, तो कहीं भी कोई लीकेज नहीं होगा और एयर फ्लो एकदम बढ़िया रहेगा। इस तरह का फिनिशिंग नॉर्मली हर जगह नहीं मिलता है, बट यहाँ पे जब मिल रहा है तो डेफिनेटली इसके लिए तो बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। तो देखिए ये इसको अच्छे से लगा दिया गया है, इसी तरह से जहाँ जहाँ पे जॉइंट होगा हर जगह पे इसको लगाया जाएगा, चिपकाया जाएगा, ताकि कोई लीकेज ना हो। तो जहाँ जहाँ से एयर लीक कर सकता था उसको सील कर दिया गया है, और अब इस पाइप को अच्छे से क्लीन किया जा रहा है। इस पर एक्सपेंशन बल्ब लगता है और दूसरी तरफ से इसमें कंप्रेसर और कंडेंसर से आया हुआ पाइप लगता है, ठीक है। तो इसको आप देख पा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से क्लीन किया गया है, इसमें रस्ट रिमूवर डाल करके और फिर इसको अच्छे से कपड़े से क्लीन किया गया है। और ये आप इसको विजुअली अच्छे से देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, एकदम परफेक्ट न्यू जैसा अंदर से, ठीक है, कहीं कोई भी गंदगी नहीं है, एंड इट्स गुड टू गो। वेल, ये तो अच्छे से क्लीन हो गया, बट यहाँ पे आता है एक प्रॉब्लम। ये जो कूलिंग कॉइल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो मैंने बूडमो से मंगवाया था, वो इस गाड़ी में कंफर्टेबल नहीं है, वो इसमें नहीं लगेगा। इसका साइज एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है, और ये है जो इसमें लगेगा। थैंकफुली ये हम सर्विस सेंटर में काम करवा रहे हैं तो ये हमको यहाँ पे मिल गया, बट अगर यहाँ नहीं करवा रहे होते तो फिर क्या प्रॉब्लम होता, आप समझ ही सकते हैं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, ये वापस हो जाएगा और रिफ़ंड हो जाएगा, इससे कोई इशू नहीं है। आइए इसको गाड़ी में फिट करवाते हैं। तो ये अभी जो लगाया जा रहा है, ये सेंसर है जो कि टेम्परेचर सेंस करता है और ओवरकूल होने से बचाता है, ताकि बर्फ़ ना जम जाए। और इसको कहाँ लगाना है वो फिक्स होता है, तो उसको एकदम देख करके ध्यान से लगाया जाता है। और अब
ये एक्सपेंशन वाल्व और कूलिंग कॉइल को लगा दिया जाएगा। तो पहले इस पर एक्सपेंशन वाल्व रखेंगे और उसके ऊपर से ये कूलिंग कॉइल रखेंगे और उसको। तो अब ये कूलिंग कॉइल अच्छे से लग गया है और इसको लगाते लगाते ये टेक्नीशियन भैया सब पूरा एंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, एकदम जॉली मूड में। ये आप सुन सकते हैं, ये देखिए। आप ज्यादा बढ़िया बोलिएगा ना, इसको रखना नहीं है, मतलब ये अब कूलिंग कॉइल को अच्छे से लगा दिया गया है और अब ये केबिन फिल्टर लगाया जा रहा है या एसी फिल्टर। तो ये फॉर्म को लगाने के बाद अब इवापोरेटर यानी कि कूलिंग कॉइल का रिप्लेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अब इसको लगाया जाएगा गाड़ी में। यहाँ हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर के कंप्रेस्ड एयर से इसको अंदर में जितना पॉसिबल हो सकता है उसको क्लीन किया जा रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको लगाना शुरू कर दिया जाएगा। अब जो है यहाँ पे एसी का ड्रेन प्लग लगने वाला है, इसीलिए वहाँ पे ये उसको अच्छे से सील किया जा रहा है ताकि वो लीक ना करे। ये देखिए यहाँ पे ड्रेन प्लग को एकदम अच्छे से लगाया जा रहा है। इस कूलिंग कॉइल से जो पानी कंडेंस होता है वो निकलता रहता है जब एसी चलता है। तो अब वापस से इस बॉक्स को अंदर लाया जा रहा है और इसको फिट किया जाएगा। ये कूलिंग कॉइल वाला बॉक्स को अच्छे से फिट कर दिया गया है और इसी तरह से अब वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को अपने अपने जगह पे फिक्स कर दिया जाएगा। इसी का मेन कंपोनेंट वाला बॉक्स लग गया, मेटल बार लग गया जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जो है यहाँ पे डैशबोर्ड को भी अच्छे से सील किया जा रहा है फॉर्म से ताकि फिर यहाँ से भी कहीं से भी एयर फ्लो लीक ना हो। डैशबोर्ड के भी सारे एसी वेंट्स को अच्छे से सील कर दिया गया है और अब डैशबोर्ड को अच्छे से लगाया जा रहा है। अब डैशबोर्ड का फिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, साथ ही साथ बाहर से जो एसी का पाइप था उसे भी लगा दिया गया है और अब इसको जब तक इधर अंदर में कंप्लीट किया जा रहा है साथ में एसी का गैस भी यानी रेफ्रिजरेंट ये भी भरना शुरू कर दिया गया है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये इसको तीन स्टेप में करता है। सबसे पहले तो पूरा एसी के सिस्टम को वैक्यूम करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैक्यूम किया जा रहा है, मतलब पूरा सिस्टम में से एयर को सक किया जाता है और उसको कुछ देर के लिए इसी तरह से होल्ड करके रखा जाता है ताकि ये पता चल जाए कि किसी भी तरह का कोई लीकेज नहीं है। ये कंफर्म हो जाने के बाद कि लीकेज नहीं है इसमें कंप्रेसर ऑयल और रेफ्रिजरेंट यानी कि एसी का गैस भरा जाता है। तो अब इसमें एसी का गैस फिलिंग करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और अब एसी को स्टार्ट जब किया गया तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, एकदम परफेक्टली, ठीक है। लेकिन अभी शाम के 6 बज चुके हैं और इनका वर्किंग टाइम ओवर हो चुका है। तो अभी एसी तो स्टार्ट हो गया है और परफेक्टली वर्क कर रहा है लेकिन बाकी का चीज ऐसा ही खुला हुआ है। लेकिन आज मैं इससे ज्यादा यहाँ पे अब वेट नहीं कर सकता। जो कंडीशन में है गाड़ी जैसे है इसी कंडीशन में मैं इसे घर लेके जाने वाला हूँ। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए फनी हो सकता है बट मैं इसे इसी तरह से लेके घर जाने वाला हूँ और बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। तो चलिए पेमेंट करते हैं, गाड़ी को रिलीज़ करवाते हैं और चलते हैं घर। तो गाइज गाड़ी मैं घर लेके आ गया हूँ और एसी जो है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगा। अभी जो दिखा रहा हूँ वो देखिए, ये गाड़ी को देखिए मैं किस कंडीशन में लेके आया हूँ। आगे का ये सब कुछ खुला हुआ है, नीचे में सारा कुछ ये भी खुला हुआ ही है, सेंट्रल कंसोल भी खुला हुआ ही है। ये गियर सेलेक्टर नोब बस में लगा दिया था ताकि ड्राइविंग में इजी हो जाए, ठीक है।
बाकी आप गाड़ी का कंडीशन देख सकते हैं। आगे का कंडीशन देखिए, आगे में भी बम्पर सब खुला हुआ है, बस इसी कंडीशन में इसे मैं लेके आ गया, ठीक है। बाकी आप इधर देखिए, गाड़ी का सारा पार्ट्स जो था, जो सब चेंज हुआ था, वो सारा कुछ यहाँ पड़ा हुआ है इस बॉक्स में। वो जो इवापोरेटर था यानी कूलिंग कॉइल जो गाड़ी में नहीं लगा था वो है। बाकी इसमें कंडेंसर है, ये पीछे बम्पर मोड़ करके रखा हुआ है। अब देखिए इसको, आइए इसको अच्छे से आपको खोल करके दिखाते हैं। ये रहा सारा का सारा सामान मैंने इसमें मोड़ करके डाल रखा है। इसको निकालते हैं, दिखाते हैं आपको। ये रहा सेंटर कंसोल का, ये का स्टीयरिंग के नीचे वाला का कवर है, ये ऊपर वाला कवर है। ऐसे ही धीरे करके सारा पार्ट्स लगा हुआ यहाँ तक पड़ा हुआ है। ये इसमें पुराना कंप्रेसर है, पुराना कूलिंग कॉइल, पुराना वाला एक्सपेंशन वाल्व। तो आइए ये सब को साइड में रखते हैं और बचा हुआ पार्ट सब वो गाड़ी में लगा करके गाड़ी को रेडी करते हैं। अंदर का सारा फिटिंग अब कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं हर चीज़ एकदम परफेक्टली फिट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग बाहर और करते हैं बाहर से फिटिंग। ये देखिए, बाहर में ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस बम्पर लगाना है एंड दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। सो गाइज, अब ये एसी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली। इनफैक्ट इसका कूलिंग परफॉर्मेंस जो है बहुत सारी नई गाड़ियों से बेहतर हो गया है। तो आइए आपको इसको सबसे पहले चला करके दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक बार बोनेट ओपन कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो ये बोनेट ओपन हो गया एंड आइए अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी कर लिया मैंने स्टार्ट, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, ओके। और आप देखिए कि फैन बंद है, ओके, एंड नीचे कंप्रेसर जो है वो घूम रहा है बट क्लच इंगेज कंप्रेसर का नहीं है। ये मैं फिर से आ गया गाड़ी के अंदर, ब्लोअर ऑन कर दिया और ये एसी ऑन हो गई, ठीक है। ये देखिए फैन स्टार्ट हो गया है और नीचे देखिए कंप्रेसर का क्लच इंगेज हो गया है और कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। कुछ देर एसी को ऑन रखने पे जब कंडेंसर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेडिएटर का फैन का स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे पानी जमने लगा है, मतलब पानी कंडेंस होने लगा है। साथ ही साथ आइए आपको नीचे में दिखाते हैं, इधर ये जो ड्रेन प्लग होता है इवापोरेटर यानी कूलिंग कॉइल के पास, वहाँ से ये पानी अब कंडेंस होकर के नीचे गिर रहा है। ये देखिए, सो गाइज,
अब ये एसी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है एंड इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली परफेक्टली, बिल्कुल बेहतरीन कूलिंग दे रहा है ये। इसमें जो भी मेरा पैसा लगा एकदम सेटिस्फाइड है मुझसे, जरा सा भी हमको रिग्रेट नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया। और कितना खर्चा आया अगर वो जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट इंडिविजुअली। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस एंड इफ यू डिड प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस वेरी चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।